आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। इस बार रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव ऐतिहासिक होने वाला है। इसी कड़ी में सीएम आवास पर अयोध्या दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष रिकॉर्ड दिए जलने से यह आयोजन वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपोत्सव से भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी, भरत मिलाप, श्री राम राज्याभिषेक प्रसंगों का प्रतीकात्मक चित्रण भी होगा। मुख्य समारोह से पहले पूरे अयोध्या जिले में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपावली पर भव्य और दिव्य दीपोत्सव समारोह में इस बार 17 लाख दिए जलाएंगे। ये एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इसी के साथ मेगा लेजर शो का खास प्रदर्शन भी होने वाला है। पिछले साल अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए गए थे, तब राम की पैड़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक प्रज्वलित हुए थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अयोध्या में कई कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। दिवाली पर पूरी राम नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस बार का दीपोत्सव काफी ऐतिहासिक होने वाला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। बता दें मेगा लेजर शो का खास प्रदर्शन किया जाएगा। अयोध्या में अब की 17 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई कार्यक्रम हो रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अयोध्या में दीपावली पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अयोध्या से राघवेंद्र मिश्रा हमसे जुड़ेंगे। राघवेंद्र, अयोध्या की राम नगरी में तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं, कितनी तैयारियां हो गई हैं अभी तक? अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज हो गया है और बता दें कि साकेत महाविद्यालय से झांकी निकल के रामकथा पार्क के लिए शुरू हो गई है निकलना। और अगर बात की जाएगी तो राम की पैड़ी की, तो 17 लाख से अधिक दिए जो है वो जला दिए गए हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, जलने के लिए तैयार एकदम से कंप्लीट कर दिया गया है उनको। और यहाँ पर रामकथा पार्क जब झांकी पहुंचेगी तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और देश के प्रधानमंत्री राम और चंद्र जी का राज्याभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद ये सीधे निकलेंगे रामलला, वहाँ दीपोत्सव जला करके और दीपोत्सव का आगाज करेंगे। उसके बाद ये राम की पैड़ी जाएंगे, वहाँ पर दीप जलाया जाएगा, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद लेजर शो होगा, तो उसका और आतिशबाजी होगा, तो उसको भी देखेंगे। जी राघवेंद्र, इस बार कितना खास होने वाला है अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम? देखिए अगर बात की जाएगी इस बार के खास होने की, तो सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर के अपनी बार शामिल हो रहे हैं, तो खास बात। और बाहर के भी मेहमानों को यहाँ पर बुलाया गया है। तो अगर कुल मिलाकर के बात की जाएगी तो अयोध्या की दीपावली जो है
वो बेहद खास होने वाली है। और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अगर यहाँ बात की जा रही है तो यहाँ की जनता, यहाँ के साधु संत और लोग, यहाँ के वॉलंटियर्स जो दीप जला रहे हैं घाटों पर चलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वो लोग उत्साहित हैं और ये खुश है कि हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री जो है वो अयोध्या दीपोत्सव में शामिल होने आ रहे हैं। जी राघवेंद्र, अभी क्या क्या कार्यक्रम अयोध्या में शुरू हो चुके हैं और आगे क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं? देखिए मयूरी, आप बता दें तो साकेत महाविद्यालय से राम कथा पाठ के लिए रामायण कालीन चरित्र को लेकर के 16 झांकियां जो है वो राम कथा पाठ के लिए निकल चुकी हैं, जिसका हरी झंडी दिखाया है सूचना और पर्यटन मंत्री राजवीर सिंह ने, महापौर थे, सांसद लल्लू सिंह थे, यहाँ पर और भी विधायक लोग और भाजपा के नेता शामिल थे। जी राघवेंद्र, पीएम मोदी के आने की खबर है, उनको लेकर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? देखिए अगर बात की जाए सुरक्षा को लेकर के तो सुरक्षा के मामले में अयोध्या जो है वो पूरी तरह से जकड़ दी गई है। एसपीजी से लेकर के पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर के आरएएफ से लेकर के तो पूरी तरह से अयोध्या को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। जगह जगह बैरिकेटिंग कर दी गई है कि अयोध्या और ड्रोन कैमरे से इसकी निगरानी की जा रही है। जी राघवेंद्र, रूट डाइवर्जन में क्या कुछ प्लान किया गया है अयोध्या में? देखिए अगर बात की जाए रूट डाइवर्जन की तो आपको बता दें कि लखनऊ और गोरखपुर हाईवे पर बड़े वाहनों का आना जाना बंद कर दिया गया है। अयोध्या से गोंडा जाने वाले हाईवे को भी बंद किया गया है और शहर में अयोध्या बैलीगंज बाजार से बैरिकेडिंग कर दी गई है, पूरी तरीके से अयोध्या को सील कर दिया गया है। राघवेंद्र, पीएम मोदी कब तक अयोध्या पे पहुंचेंगे? देखिए बात की जाएगी अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो वो दोपहर के बाद लगभग 12:30 बजे का उनका टाइम है और प्रधानमंत्री लगभग 3:30 से 4 के बीच वो यहाँ अयोध्या पहुँच रहे हैं। जी राघवेंद्र, पीएम मोदी के कौन कौन से कार्यक्रम आज होंगे अयोध्या में? बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की बात की जाएगी तो वो आएंगे, सबसे पहले आएंगे साकेत महाविद्यालय में, उनका हेलीपैड बना है वहाँ पर उतरेंगे, उसके बाद ये सीधे पहुंचेंगे ये रामकथा पाठ जहाँ पर राम जी का राज्याभिषेक करेंगे, उसके बाद ये रामलला जाएंगे वहाँ पर दीपोत्सव का दीप जलाएंगे, उसके बाद ये राम की पैड़ी जाएंगे, सरयू घाट जाएंगे, वहाँ पर आरती करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाएगी तो इनके कई कार्यक्रम लगे हैं और लगभग 3 से 3.5 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रहेंगे। जी राघवेंद्र, 17 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा, इसको लेकर कितनी तैयारियां कर ली गई हैं? देखिए बात करेंगे अगर रिकॉर्ड के लिए तो विश्व रिकॉर्ड का एक अपना एक अलग ही ऐतिहासिक मूवमेंट उस टाइम का रहेगा, जो कि 22,000 वॉलंटियर्स जो है वो 17 लाख दीपों को यहां पर बिछा दिए हैं और शाम को जलने के बाद विश्व रिकॉर्ड अपना एक अलग तरीके से कायम किया जाएगा, जो कि अयोध्या हमेशा हर एक दीपोत्सव पर अपना रिकॉर्ड जो है वो खुद खत्म करती है। जी राघवेंद्र, जो 17 लाख दिए जलाने का कार्य कितने बजे से किया जाएगा? देखिए सबसे पहला दीपक जो है बता दें कि वो रामलला के गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलाएंगे, उसके बाद शाम के टाइम लगभग सूर्यास्त के बाद जो है वो दीप जलाने का काम राम की पैड़ी में किया जाएगा। जी राघवेंद्र, अयोध्या वासियों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है दीपोत्सव को लेकर? देखिए अगर बात करेंगे कि यहाँ की जनता की, यहाँ के साधु संत की, तो खासे ही उत्साहित दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पहली बार जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है दीपोत्सव में। राघवेंद्र, कई विदेशी कलाकार आने की खबर है अयोध्या में? बिल्कुल, निमंत्रण विदेशी कलाकारों को दिया गया है और अब राज्यपाल आएंगे, विदेश के भी कलाकार आएंगे, रामलीलाएं हो रही हैं तो उसमें भी शामिल होंगे, तो कुल मिलाकर के जो भी यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें भी विदेशी लोग शामिल हो रहे हैं। जी धन्यवाद राघवेंद्र तमाम जानकारियों के लिए।
नमस्कार। हर वर्ष रिकॉर्ड दिए जलने से आयोजन वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव में भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी, भरत मिलाप, श्री राम राज्याभिषेक प्रसंगों का प्रतीकात्मक चित्रण भी होगा, मुख्यमंत्री ने कहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दिवाली पर भव्य और दीप उत्सव समारोह इस बार 17 लाख दिए जलाएंगे। ये एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इसी के साथ मेगा लेजर शो का खास प्रदर्शन भी होने वाला है। पिछले साल अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए गए थे, तब राम की पैड़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक जलाए गए थे। अब की का दीप उत्सव अयोध्या के लिए काफी ऐतिहासिक होने वाला है। बता दें कि आज अयोध्या पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, जो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बता दें कि 8 देशों से विदेशी कलाकार आ रहे हैं अयोध्या में, जो कई तरह के कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले सीएम योगी अयोध्या में जायजा लेने पहुंचे थे। बता दें मेगा लेजर शो का खास प्रदर्शन किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ग्राम पंचायत ककराही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सत्यम चौधरी और ग्राम विकास अधिकारी अजय वर्मा विकास खंड टांडा अम्बेडकर नगर की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। उमेश कुमार पासी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत इल्तफातगंज अम्बेडकर नगर की ओर से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। विवेक गुप्ता संचालक बालाजी स्वीट हाउस औरैया की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। विवेक गुप्ता की अपील, इस त्योहार पर अपना ख्याल रखें और शुद्ध खोए से बनी ही मिठाई खाएं, जो कि हमारे स्वीट हाउस पर उपलब्ध है। मैं विवेक गुप्ता, प्रोपराइटर बालाजी स्वीट हाउस, ब्लॉक के कोरिया की ओर से समस्त नागरिकों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे यहाँ कुशल कारीगरों द्वारा खुद खोए से निर्मित मिठाइयाँ और नमकीन बिक्री की जाती हैं एवं लंच पैकेट भी तैयार किए जाते हैं। संजय दीक्षित संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल औरैया की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली और भैया दूज पर हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर उन्होंने कहा कि वह व्यापारियों के हित के लिए हमेशा से ही संघर्ष करते रहे हैं, साथ ही व्यापारियों के हितों की रक्षा करने का भी वचन दिया है। ब्रजेंद्र गुप्ता उर्फ गुड्डू दादा प्रदेश अध्यक्ष यूपी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल औरैया की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेंद्र गुप्ता की अपील, दीपावली का पर्व खुशियों का पर्व है, इस पर्व को भाईचारे के साथ उत्साह से मनाएं। डॉक्टर सीडी सिंह स्टार डेंटल केयर C6 सुपरमार्केट सुल्तानपुर की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। संजय जायसवाल प्रोपराइटर दिव्यांग ट्रेडर्स प्रयागीपुर जौनपुर रोड सुल्तानपुर की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।
अरविंद गुप्ता जिला संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा श्रावस्ती की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आशीष बैनर्जी दादा म्यूजिक के ग्रुप की तरफ से देशवासियों और नगर वासियों को आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी शुभ अवसर पर, चाहे वो मैरिज पार्टी हो या बर्थडे पार्टी हो, किसी भी पार्टी पर हमें सेवा का मौका दीजिए। हमारा नंबर है 7905810701 और 9335111512 में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। रमेश चंद जायसवाल प्रोप्राइटर गोल्डन प्लाजा मैरिज लॉन दरियापुर रोड सुल्तानपुर की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। माता प्रसाद गुप्ता भाजपा जिला उपाध्यक्ष जनपद श्रावस्ती की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर रवि त्रिपाठी नंदनी आई केयर गोरा बैरिक जेल रोड सुल्तानपुर की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। शंकर लाल कैलाशी प्रोप्राइटर शंकर लाल कैलाशी एंड कंपनी गल्ला मंडी सुल्तानपुर की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। बिलालुद्दीन अलापुर बदायूं की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। चिनोज शाह के उर्फ दीपू भैया पूर्व विधायक बदायूं की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सुमित्रा देवी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल अलापुर बदायूं की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ऋषभ टंडन महानगर मंत्री युवा मोर्चा वार्ड नंबर 97 से भावी युवा पार्षद प्रत्याशी प्रयागराज की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित सिप्रा सचदेव प्रयागराज की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अभिनव सेठ अभिनव बाबा आभूषण भंडार ठटेरी बाजार चौक सुल्तानपुर की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मोहम्मद समी शेख नबीला एक्सपोर्ट की तरफ से आप सभी देशवासियों व नगर वासियों को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और आप सबसे आशा करता हूं कि आप लोग खुशियों से के साथ इस त्यौहार को मनाएं तो खुशियां बांटें। धन्यवाद। वसीम खान प्रोप्राइटर एमजी कंस्ट्रक्शन कानपुर की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। देख रहे हैं प्राइम।